सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले महाजन मार्केट की पार्किंग के पास मिलिंद गावंडे नामक आरोपी द्वारा प्रशासकीय काम में दखल अंदाजी की जा रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही जारी है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने अधिक जानकारी साझा की। रविवार को सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत प्रयाति सुदाम डकरी उम्र 32 वर्ष इन्हें पुलिस नियंत्रण कक्ष से जानकारी मिली कि सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले महाजन मार्केट की पार्किंग के पास विवाद हो रहा है, जिसके बाद फिरियादी मामला सुलझाने के उद्देश्य से वहां पर गए, जिस दौरान आरोपी मिलिंद गावंटे ने फिरियादी द्वारा की जा रही शासकीय कार्यवाही का विरोध किया और सरकारी काम में दखल अंदाजी की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने अधिक जानकारी साझा की। कल 13/6/2021 को शाम को 4:30 बजे करीब महाजन मार्केट जो बर्डी मार्केट में है, वहाँ पे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के दुकान के सामने एक महिला ने कुछ गाड़ी पार्किंग किया था। गाड़ी पार्किंग के ऊपर से दोनों में कुछ तो भी झगड़ा हो गया और वो दुकानदार ने, जो आरोपी है, उसने वो महिला को मारना चालू किया। इसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था। कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद में हमारे जो बीट मार्शल है और ये इस गुनहे के फिरियादी सुदाम डकरे करके हमारे पुलिस कांस्टेबल है, वो वहाँ पे गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस के सामने ही वापस वो आरोपी ने जो वो महिला को हाथ से मारना चालू किया था। इसके लिए हमारे जो उनको छुड़ाने के लिए जो कांस्टेबल है हमारे, वो बीच में गए थे, तो तभी आरोपी ने हमारे कांस्टेबल को भी हाथ से मारा, तो फिर बाद में उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आए। इसलिए सरकारी काम में अड़थड़ा लाने के लिए हमने गुनाह दाखिल किया है और आरोपी मिलिंद गावंडे जो दुकानदार है उसको अरेस्ट किया है। पहले के अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, आज रिमांड ले लेंगे उसके बाद में देख लेंगे। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।